औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जगस्वारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन PHP के बारे में है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक लैंग्वेज है जो वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वेब डेवलपर हैं इसको यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर 30% वेबसाइट जो हैं उनके अंदर इसका शेयर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं PHP। आज का हमारा लेसन जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, चलते हैं अभी अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला जो ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है, इसका मतलब है जो हमारे पास राइट पर, आगे देखें इसके अंदर ये इक्वल है और इसके बाद वाई इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू वाई सेम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो राइट पे वैल्यू आ रही है वाई, वो जैसे वाई हो तो वो एक्स को असाइन हो जाए। जैसे आपने कुछ हमारी पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा, जब भी हम किसी वैल्यू को असाइन करते थे किसी वेरिएबल को, तो उसको हम राइट साइड पर लिखते थे यानी वाई की जगह पर, और वेरिएबल को हम लेफ्ट, वैल्यू को हम वाई की जगह लिखते थे और वेरिएबल को लेफ्ट पे एक्स की जगह लिखते थे। तो इस तरह वेरिएबल की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाती थी। तो अभी आगे हम देखते हैं एक्स प्लस इक्वल, प्लस इक्वल और प्लस इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमने प्लस को इक्वल टू साइन, इक्वल टू के साथ साइन के साथ यूज़ किया है। जो हमारे पास यहाँ पर एक्स आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई के साथ प्लस करना चाहते हैं हम यहाँ पर एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई के साथ प्लस करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई के साथ प्लस करेंगे तो एक्स की न्यू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ प्लस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई की, ये एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास एक्स की न्यू वैल्यू आ जाएगी। तीसरे नंबर पर माइनस प्लस, इसमें भी ये होगा, एक्स की वैल्यू को माइनस करना चाहते हैं वाई से, एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे वाई से तो एक्स की वैल्यू न्यू आ जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू के साथ तो एक्स की न्यू वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वाई की वैल्यू के साथ तो न्यू वैल्यू एक्स की आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड है, एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ, एक्स की पुरानी वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो न्यू वैल्यू एक्स की आ जाएगी। इसी तरह मॉड्यूलेशन में भी इसी तरह ही है और इसी तरह ये वाला जो है इसको भी हम इस तरह ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की, हमने देखा कि कैसे होती हैं और क्या क्या इसके ऑपरेटर हैं और क्या इसकी डिस्क्रिप्शन और सेम है, इसके अंदर मैंने चीज़ें सारी आपको डिटेल में बताई। अभी प्रैक्टिकल करते हैं चल के यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक PHP का कोड लिखते हैं और इस कोड के अंदर हम एक वैल्यू वेरिएबल कुछ बनाते हैं। यहाँ पर मैं डॉलर का साइन ए इक्वल टू 10, वही जो पिछला हमने बनाया था वही है। डॉलर का साइन बी इक्वल टू 3, उसी को हम यूज़ करके समझते हैं। ये फाइल मैंने बनाई हुई है असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू क्लिक करें और न्यू फाइल बना लें और इसको यहाँ पे ऐड कर दें उसी फोल्डर के अंदर। अभी यहाँ पे हम इसके जो है वो, अगर हम पहले जो हमने लिखा था एस ए, ठीक है जी, एस सी जो हमारी पहली वैल्यू थी, जैसे मैंने किया जी के एस डॉलर ए, डॉलर का साइन ए और प्लस हो जाए डॉलर का साइन बी की वैल्यू, और इसको यहाँ पे हमने इको किया था। ये पहले वाली, ये जो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इसका क्या मकसद है, ए सी। अच्छा, इसको हमने इको करने के बाद जब ब्राउज़र पे जाके, ब्राउज़र पे जाएंगे यहाँ पर हम लोकल
होस्ट लर्न पीएचपी के फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट का फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर का ये फोल्डर है, इसके अंदर ये 13 वैल्यू आ गई हमारे पास। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें नज़र आई है। यहाँ पे ही देखेंगे इसको। अच्छा, अभी यहाँ पे जो हमारे पास पहली वैल्यू थी इक्वल टू, तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इसको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे ए, और यहाँ पे भी ए यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू ए के साथ इक्वल हो जाए, ठीक है जी। ये बी होगा, ये नहीं होगा, ये बी होगा, ये हो गया। ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाए, कंट्रोल एस रिफ्रेश। यहाँ पे ये 13 हो गया, 3 हो गया जी। अच्छा ठीक है, इक्वल नहीं करना यहाँ पे। अब दूसरा ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, नंबर वन जो ऑपरेटर हमारे पास था प्लस वाला, कि हम जो है वो इक्वल के साथ प्लस यूज़ करेंगे। तो जब इक्वल के साथ प्लस यूज़ करेंगे, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को असाइन करेंगे और यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो ये 13 वैल्यू ही आएगी, ठीक है। यानी ए और बी को जमा किया तो 13 बन गया, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे हम दूसरा ऑपरेटर यूज़ करें, दूसरा ऑपरेटर हमारे पास कौन सा था, अच्छा दूसरा हमारे पास जो था वो मल्टीप्लाई वाला था, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, इसमें क्या होगा जी, सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो जाहिर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है कि 30 आ गई जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो तब क्या होता है, 10 में से 3 माइनस 7 बच गई जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर हम इक्वल के साथ डिवाइड कर देते हैं तो तब क्या होता है जी, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो 3.3, यानी अगर 3 को 10 पे हम डिवाइड करते हैं तो न्यू वैल्यू जो हमारी होगी वो 3.3 हो जाएगी। डिवाइड के बाद हमारे पास मॉड्यूलेशन का है, जो हमने पीछे भी यूज़ किया था वही चीज़ें हैं जो पीछे हमने यूज़ की हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है। और सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये 1 वैल्यू आ गई। 1 वैल्यू जैसे अभी मैं आपको बता दूँ कैसे करता है ये, 10 को के ऊपर 3 को हमने डिवाइड की ना करना है, तो 3 3 9, और 10 में से 9 को माइनस करो, 1 बच गया हमारे पास यहाँ पर, ये मॉड्यूलेशन हो जाता है। और 3 ऊपर चूँकि डिवाइड होता है तो ये डिवीजन हो जाती है, तो इस तरह आपको ये समझ जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूलेशन के बाद क्या है जी हमारे पास, हाँ ये है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई, इसको हम सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 1000 बन गया। 1000 कैसे बन गया जी, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 10 है 100 दया 100 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 यूज़ करें, ठीक है, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि 10 10 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो 100 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी चीज़ों की। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में था, और असाइनमेंट ऑपरेटर इतने ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि हम अगर कभी यूज़ करने पड़े तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के हवाले से हमारा लेसन था। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल, ये लेसन, ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपका हमीन असर हो, अल्लाह हाफिज़।